राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ा ये फैसला है। शिवप्रकाश, अभी क्या अपडेट आपके पास और क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं का? जी, निश्चित रूप से खुशी का माहौल है बीएसटीसी के अभ्यर्थियों में। हमारे साथ जो याचिकाकर्ता मुकेश है, इनका खुद मौजूद है। पिछले 7 महीनों से इनका संघर्ष चल रहा था। मुकेश जी, बताएं कि किस तरह से आपने याचिका लगाई, कितना लंबा संघर्ष करना पड़ा? सर, ये हमारी याचिका जनवरी से पेंडिंग था मामला। पूरे हमारे एडवोकेट पैनल साहब हैं, सभी ने पूरी मजबूती से पैरवी की और इस मामले में आज हमें पूरे राजस्थान के विद्यार्थी ही नहीं 4 लाख, इस कानून से पूरे भारत देश के 1,30,00,000 विद्यार्थी DLD के परेशान थे, उनके हकों को छीना जा रहा था। आज हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस महोदय अकील कुरैशी जी को धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ न्याय का हमें पक्ष। मुख्यमंत्री की आपसे मांग थी, आपने कहा था कि मजबूती से पैरवी करें, क्या आप संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार ने आपका पक्ष मजबूती से रखा? सर, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। 4 दिन से लगातार जो महाधिवक्ता जी हैं MS सिंघवी साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो अपने कीमती समय से निकालकर पूरे समय तक कोर्ट में उपस्थित रहे। उन्होंने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट करके हमें इस कानून से निजात दिलाई, काले कानून से। देखिए, सबसे बड़ी कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था तो उन्होंने कहा था कि BED को मान्यता अगर दी जाती है तो कहीं ना कहीं ब्रीथ कोर्स करना अनिवार्य है। हनुमान जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बताएं कि आपने भी पक्ष रखा था, किस तरह से आपका यह कहना है, क्योंकि क्या सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले में मानते हैं आप? देखिए, जैसे पूर्व में बताया जा चुका है, ये NCT का जो नोटिफिकेशन है पूरे भारतवर्ष में लागू हो रखा था और जो राजस्थान उच्च न्यायालय में जो अभी जो फैसला आया है खंडपीठ द्वारा, इसका जो परिणाम है वो ये है कि NCT का नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है। उसके द्वारा BED अभ्यर्थियों को जो Level 1 के लिए जो पात्र माना गया था वो निरस्त हो गया है। इसका परिणाम ये पूरे भारतवर्ष में जो BED अभ्यर्थी जो Level 1 के लिए जो पात्र समझे गए थे वो अब पात्र नहीं रहेंगे और केवल BSc से अभ्यर्थी जो प्राइमरी क्लासेस के लिए स्पेशल जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है केवल वही अभ्यर्थी इसके लिए पात्र माने जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से लाखों अभ्यर्थियों की आज नजर थी। राज्य सरकार का धन्यवाद ये कह रहे हैं कि जिस मजबूती के साथ महाधिवक्ता खुद यहाँ पिछले 4 दिन से लगातार जोधपुर में जो BSTC के पक्ष की ओर से राज्य सरकार की ओर से मजबूती से पक्ष रख रहे थे, उनकी पूरी टीम है, अधिवक्ता हनुमान जी, निखिल डोंगावत, विज्ञान साह जी, उनकी पूरी टीम ने मेहनत की और उसी का नतीजा है कि आज लाखों अभ्यर्थी इसमें राहत मिली। अब देखना होगा कि यह फैसला पूरे भारत के लिए एक नज़ीर बनेगा, तो BSTC के अभ्यर्थी भी हमारे साथ, मुझे कितना खुशी है आपको इस फैसले को? बहुत खुशी है, राज्य सरकार ने हमारा पूरा साथ दिया है। जो AG साहब है उनको फिजिकल रूप से पैरवी करने के लिए यहाँ 3 दिन तक कंटिन्यू हमारी पैरवी करवाई है और NCT का जो काला कानून था उसे 1,30,000 बच्चों को पूरे भारत के अंदर DLED के, हम उन सबको आज खुशी मिली। तो देख सकते हैं निश्चित रूप से BSTC के अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं BED के अभ्यर्थी है उनके चेहरे पर निराशा के भाव जरूर होंगे, लेकिन कोर्ट सभी गुणागुण पर अपना फैसला करता है। एक और छात्र हमारे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को? मैं BED वाले छात्रों से यही कहना चाहूँगा, जैसे आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हो तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़िए, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड उनके लिए बढ़िए। अब ये BSTC है, ये पर्टिकुलर कक्षा 1 से 5 के लिए कोर्स है, इसलिए आप जब तक सफिशियंट BSTC मिलते हैं तब तक आप इसमें इच्छा न करें। तो देखिए, अपने अपने पक्ष से निश्चित रूप से एक जजमेंट है, जैसा कि इनका कहना है कि पूरे भारत में लागू होगा। जो NCTT का जो अध्यादेश था उसमें यह कहा रखा था कि BED के अभ्यर्थियों को भी Level 1 के लिए पात्र माना जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें एक शर्त थी कि यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए वैकेंसी में तो लगभग 4 लाख अभ्यर्थी है वो इस परीक्षा में शामिल हुए थे, तो पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी थे, तो ऐसे में कहीं भी अभ्यर्थियों की कमी नहीं थी। तो हाईकोर्ट ने भी माना कि अगर BED वालों को नियुक्ति दी जाती है तो 2 साल के बाद उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और अगर नियुक्ति के बाद 6 महीने ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं खुद भारत सरकार या जो मानव संसाधन मंत्रालय वह मानता है कि BED है वो पर्याप्त योग्यता नहीं है, तो ब्रिज कोर्स की बाध्यता को लेकर के ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना है और अब BSTC के अभ्यर्थियों को राहत मिली है। जी जी शिवप्रकाश, संक्षिप्त में ये भी समझना चाहेंगे कि जो अभी रीट का रिजल्ट आया है उस पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा और किस तरीके से इम्पैक्ट नजर आएगा? जी, अभी रीट का जो परिणाम घोषित हुआ था उसमें BED परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। जो बड़ा अनुमान लगा जा रहा है, लगभग 9 लाख BED के अभ्यर्थी हैं जिनको इस परिणाम
की उम्मीद थी कि यदि हाईकोर्ट आज उन्हें स्वीकृति देता है तो उनका भी परिणाम घोषित करना पड़ेगा, तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि आज हाईकोर्ट के परिणाम आने के बाद जो परिणाम घोषित किया गया है उसमें कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, वही परिणाम है वो लागू होगा, क्योंकि बीएड के परीक्षार्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया था। कोर्ट ने पहले ही कहा था कि परीक्षा इन्हें सम्मिलित किया जाए, परिणाम उनके आदेश के बाद ही घोषित हो। तो वर्तमान में जो रिट का परिणाम घोषित हुआ है वही परिणाम है, वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसे में बीएड के अभ्यर्थी को कहीं कहीं से निराशा मिली है, वही बीएसटीसी के अभ्यर्थी इस फैसले को लेकर के काफी संतुष्ट है। बिल्कुल, कहीं खुशी कहीं गम जैसी स्थिति बनी हुई है। एक और बीएसटीसी वाले जो अभ्यर्थी है वो खुशी मना रहे हैं, आज का दिन जश्न के तौर पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी त्योहार से कम नहीं है। तो वहीं बीएड के अभ्यर्थियों के हाथ निराशा लगी है। जी निश्चित रूप से बीएड के अभ्यर्थियों में निराशा है, तो बीएसटीसी के अभ्यर्थी खुशी मना रहे हैं। लगातार पिछले चार दिन से लगातार बीएसटीसी के अभ्यर्थी यहाँ कोर्ट आ रहे थे, उन्हें शुरू से ऐसी उम्मीद थी कि उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। सुबह जब हमारी बात हुई थी तो वो काफ़ी थोड़ा चिंता में भी थे, उनका ये कहना था कि हमें विश्वास है कि जिस मजबूती के साथ राज्य सरकार ने उनका पक्ष रखा है, जिस मजबूती के साथ उनके अधिवक्ताओं की टीम ने पक्ष रखा है, तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में फैसला आएगा और उनके आशा के अनुरूप ये फैसला आया है। तो अब देखना होगा कि आगे अगर बीएड के अभ्यर्थी क्या रुख लेते हैं, क्या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। यह